कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर देश के लगभग सभी राज्यों में देखने को मिल रहा है। कहीं स्थिति नियंत्रण में है तो कहीं बेकाबू। कोरोना संक्रमण की इसी रफ्तार को कम करने के लिए कई राज्यों ने लॉकडाउन का भी ऐलान कर दिया है। लोगों को संक्रमण से रोकने की सभी नियमों का पालन करने के लिए बार बार कहा जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग एक दूसरे की मदद के लिए भी आगे आ रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर ही कोरोना से जुड़ी कुछ मनगढ़ंत खबरें और मिथ भी तेजी से वायरल हैं, जिससे लोग भ्रमित हो रहे हैं। WHO ने इन सभी मिथों के बारे में बताया है, आइए जानते हैं उनकी सच्चाई के बारे में। ऐसी झूठी बातों पर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मिथ नंबर एक, कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों को वैक्सीन की जरूरत नहीं। डॉक्टर रिजा अस्थाना ने अमर उजाला से बातचीत के दौरान बताया कि सभी लोगों के लिए कोरोना की वैक्सीन लेना बहुत आवश्यक है। जिन लोगों को एक बार संक्रमण हो चुका है, ऐसा नहीं है कि उन्हें दोबारा से संक्रमण नहीं हो सकता। संक्रमण के दौरान शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी जरूर बन जाती हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये स्वतः नष्ट भी हो जाती हैं। ऐसे में वैक्सीन आपके लिए काफी जरूरी हो जाती है। इससे बनी एंटीबॉडी शरीर में लंबे समय तक बनी रहती हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर दौड़ रही ये बात पूरी तरह से झूठी है। मिथ नंबर दो, कोरोना की वैक्सीन बहुत जल्दी में बनी है, इससे ज्यादा प्रभावी नहीं है। सोशल मीडिया पर ये बात भी तेजी से की जा रही है कि कोरोना की वैक्सीन बहुत जल्दी में बनी है, इस वजह से ये ज्यादा प्रभावी नहीं है। इस बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना के टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए इसे जल्दी से जरूर तैयार किया गया है, लेकिन सभी सुरक्षा मानकों पर ये पूरी तरह से खरे उतरे हैं। लोगों को टीके के बाद लाभ हो रहा है, ऐसे में लोगों को इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मिथ नंबर तीन, वैक्सीन लगवाने से कोरोना का संक्रमण हो जाएगा। उजाला सिग्नेस सोनीपत के क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट डॉक्टर जितेंद्र नासा कहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन लगने के कारण संक्रमण होने की बात पूरी तरह से बेबुनियाद है। वैक्सीन लेना पूरी तरह से सुरक्षित है, इससे आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन लेने के बाद कुछ लोगों में संक्रमण के हल्के लक्षण जरूर देखे जा रहे हैं, जो कि सामान्य है। शरीर में किसी भी तरह के एंटीजन जाने पर इस तरह की प्रतिक्रिया होना सामान्य है, ये स्वतः ठीक भी हो जाते हैं। सभी लोगों को टीकाकरण जरूर कराना चाहिए। मिथ नंबर चार, वैक्सीन लेने के कारण मौत हो सकती है। डॉक्टर जितेंद्र नासा कहते हैं कि वैक्सीन लेने के कारण मौत होने जैसी बात सामने नहीं आई है। वैक्सीन आपसे कोरोना के कारण होने वाली गंभीर दिक्कतों और मौत के खतरे को कम कर देती है। लोगों को हल्के लक्षण जरूर हो सकते हैं, जो 3 से 4 दिनों के भीतर स्वतः दूर हो जाते हैं। वैक्सीन लेने के बाद मौत की बातें पूरी तरह से मिथ हैं। मिथ नंबर पाँच, वैक्सीन लगवाने के बाद कोविड के सुरक्षात्मक उपायों का पालन करना जरूरी नहीं है। डॉक्टर नासा कहते हैं कि कोई भी वैक्सीन आपको उस रोग से 100% की सुरक्षा नहीं दे सकती। वैक्सीन सिर्फ उस रोग के गंभीर प्रभावों को कम करने में आपकी मदद करती है। WHO का कहना है कि कोरोना से किसी को अब तक सुरक्षित नहीं माना जा सकता। जब तक हर कोई सुरक्षित नहीं है, तो आपको वैक्सीन लेने के साथ सभी सुरक्षात्मक उपायों जैसे मास्क लगाना, हाथों की सफाई का ध्यान रखना और लोगों से सामाजिक दूरी बनाकर रखने जैसे नियमों का लगातार पालन करते रहना चाहिए। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।